हाँ राशि दिकरा बोल। अरे कब से तेरे फोन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, झटपट सुना ना क्या हुआ। मम्मी आपने जो भी प्लान किया था उस प्लान ने तो बढ़िया काम किया, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मतलब मेरी कलाकारी रंग लाई। खूब मम्मी खूब, इसलिए तो आपकी जय बोल रही हूँ। अरे जय भाई छोड़, पहले मुझे ये बता कि हुआ क्या। मम्मी जैसे आप घर से चली गई वैसे कागड़ी भाषण देना शुरू कर दी। उन्होंने मम्मी जी को तो इतना सुनाया हाँ? और बेचारी मम्मी जी को ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा था। और सिर्फ मम्मी जी को ही नहीं, ये सब सुन के मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर कागड़ी के जाते ही मैंने बातें गोल गोल घुमा घुमा कर मम्मी जी को ये एहसास दिलाया कि घर में बड़ी होने के बावजूद उन्हें बस एक गलत फहमी की वजह से सबके सामने इतनी बातें सुननी पड़ी। अच्छा तो पछी, अब मतलब तेरी सास के कान में जू बो रहेंगी। नहीं मम्मी, उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला लेकिन उनका चेहरा साफ साफ कह रहा था। कागड़ी की बातों ने उनके दिल को तो बहुत ठेस पहुंचाई है। सारू दिखरा सारू, अगर तेरी बात का हेतल बेन पे जरा सा भी प्रभाव पड़ा है तो समझी ले आज जीत अपनी मुट्ठी माचे। जो दिखरा, मैंने तुझे बहुत पहले ही कहा था, जिस दिवस तूने अपनी सास और अपने पति को अपनी तरफ कर लिया उस दिन परिवार में तेरा दर्जा बहुत ऊपर उठेगा। हाँ मम्मी हाँ। एक मिनट, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मत समझ कि तू जीत गई, अभी तो फक्त तूने पहला कदम बढ़ाया है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। तुझे ठीक गोपी के बाजू में जाके खड़ा होना है, उतनी ही ऊंचाई पर। हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही। इसके लिए तुझे अपनी सास के हृदय में छिपी माँ को भी जगाना होगा। उसके दिल में ये भी बिठाना पड़ेगा कि घर में जिगर दिकरा के साथ किस तरह गैरों जैसा व्यवहार किया जाता है। अने याद रख जे, ऐसा करने के लिए तुझे अहम को थोड़ा बुरा भी ठहराना पड़े तो पीछे मत हटना, समझी गई। अहम जीजू को बुरा ठहराना, देखो ये तो नामुमकिन। हाँ पर क्यों। इसलिए मम्मी क्योंकि गलत या सही किसी इंसान को ठहराया जा सकता है, किसी मशीन को नहीं, और वो भी ऐसी मशीन जिसे ऑन ऑफ सिर्फ उनकी मम्मी ही कर सकती है। एहम जीजू भी ना सवेरे उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते हैं और ऑफिस के लिए चल देते हैं। थैंक गॉड कि मेरी इस मशीन से शादी नहीं हुई। जो भी हो दिकरा, तुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे तेरी सासू माँ को एहसास हो कि घर में उसके दिकरे और अहम के बीच कितना भेदभाव किया जाता है। हाँ मम्मी वो तो है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे मम्मी जी को इस बात का एहसास हो जाए। वो मैं तुझे सोच के बताऊंगी, पहले तो तू मुझे घर की ताजी खबरें सुनाती रहना। जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जी आपकी जरा मेरा टॉवल पकड़ाना।
आपका नाश्ता? हाँ मैं आता हूँ। हाँ, कौन? अरे वाह मैडम, आप मेरी आवाज इतनी जल्दी भूल गईं। देखो फालतू की बातें मत करो और साफ साफ बताओ कौन हो तुम। आपका एजेंट पटेल, जिसे तुम्हें पैसे वापस करने हैं। आप? हाँ जी मैं। क्या करूं? वो उर्मिला शाह आवाज बदलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पैसे भूल जाऊंगा, पानी में जाने दूंगा। मुझे मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। हेलो, जय श्री कृष्णा मम्मी जी। जय श्री कृष्णा। थी, एक काम कर दो, जिगर जी के लिए गाजर का जूस बना दो, वो बस मॉर्निंग वॉक से आते ही होंगे। राशि भाभी, ये हो जाए फिर उसके बाद बना देती हूँ। अरे लेकिन फिर उन्हें ऑफिस में जाने में देर हो जाएगी, तुम अभी बना दो। राशि भाभी, मैं अहम भाई के लिए जूस बना रही हूँ और ये जूस वो ऑफिस लेके जाने वाले, ये हो जाए इसके बाद बना देती हूँ। अब ये क्या बात हुई, जो जूस घर पे पीने वाले उनका जूस बाद में बनेगा और जो ऑफिस ले जाएंगे उनका जूस पहले। पर राशि भाभी, मैं तो अहम भाई के लिए हमेशा जूस बनाती हूँ। तो फिर रहने दो, जिगर जी के लिए जूस मैं खुद बना दूंगी। मीठी? जी नानी भाभी। अहम का टिफिन तैयार कर दिया? हाँ नानी भाभी, बस जूस पैक करना बाकी है। सारू, ये करने के बाद जल्दी से टेबल पर नाश्ता लगा देना, तब तक मैं टेबल पर प्लेट्स लगा देती हूँ। गोपी वो क्या छे? नानी भाभी, गोपी भाभी छत पे कपड़े सुखाने गई हैं। सर, मम्मी जी आपने देखा ना कि मीठी भी सिर पे चढ़ती जा रही है, इसे तो सिर्फ अहम जीजू के कामों की ही चिंता है। और मैंने इसे कहा जिगर जी के लिए जूस बनाओ, तो उसके लिए इसके पास टाइम ही नहीं। छोड़िए, वैसे भी मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से यही चलता आ रहा है, अब इसमें मीठी की भी क्या गलती है। मम्मी जी आप एक काम कीजिए, आप नाश्ता शुरू कीजिए, मैं बस जिगर जी के लिए ये जूस बना के अभी आई। ये क्या फई, आज क्लासेस के लिए कोई नहीं आया? अरे सब देरी से आएंगी, वो शीतल बेन के यहाँ पौत्र हुआ है ना, तो सबकी सब उसे देखने गई है, देर से आएंगी। ओ अच्छा, फई आपको याद है ना क्लासेस के बाद आप मुझे कुछ कैश देने वाली है ना, आपने मुझसे वादा किया था। अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहला तो मुझे ये देखने दे कि तेरे काम से सारी लेडीज खुश है या नहीं। अरे ऐसे क्यों खड़ी है? अरे तू फक्त मेरे स्लिमिंग सेंटर की टीचर नहीं है, मारी वो पण छे, तो उस नाते घर की जिम्मेदारी भी तेरी ही हुई। जा, ये सब लेडीज आए ना उसके पहले जाके नाश्ता बना डाल। अरे हाँ,
घी तेल तो फक्त नाम मात्र नु समझी।